रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, तजारत करनी है तो अल्लाह के साथ करो, जो तुम्हें हर तरह के नफा से नवाजेगा। हम हर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो अल्लाह ताला का कहना है कि अगर तुम ऐसी तजारत करो जिसमें घाटा नहीं है, मैं चीज़ों का जो नफ़ा है वो एक से लेके 700 गुना तक देता हूँ। तो हमें सच के साथ वो चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हम दुनिया में काम करते हुए हर चीज़ का नफ़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सी किताब बताती है, ये कुरान मजीद पढ़ने से पता चलता है। और कुरान मजीद ऐसी ज़बान में पढ़ना चाहिए जिसकी हमें समझ आती हो, यानी उर्दू तर्जमे के साथ। तो आज हम अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, मिसालें देखते हैं। हाउ मैनी कीज़ आर देयर इन टोटल, कुल कितनी चाबियां हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 + 2 + 2, 2 के 3 ग्रुप्स हैं, तो ये 6 हैं। तो कुल चाबियां जो है 6 हैं, इनको हम 3 × 2 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 × 2 जो है वो 6 के बराबर है। फिर अगली हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हाउ मैनी इरेजर आर देयर इन टोटल, कुल कितने रबर हैं। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप्स हैं, 3 के, और हम इनको 5 × 3 भी कर सकते हैं। तो कुल 15 रबर बनते हैं हमारे पास। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 4 + 4 =, यानी कि 3 × 4 आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। आप यहाँ पे इस वीडियो को रोकें और ख़ुद से इसको सॉल्व करें। शाबाश, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में 4 आएगा, और 3 × 4 = 12। हमने 4 की स्किप काउंटिंग करनी है, तो हम 4, 8 और 12, और 3 × 4 = 12। फिर अब आप आगे देखें कि हम 5 + 5 को = की जगह क्या लिखेंगे। कितने हमारे पास 5 हैं, यहाँ पे रोक के सोचें, हमारे पास 2 5 हैं। तो हमने इसको 2 × 5 भी लिख सकते हैं, और 5 को अगर 2 times ऐड करें तो हमारे पास 10 आता है। तो ये एक्चुअली स्किप काउंटिंग बाय 5 है, कि एक 5 के अंदर हमने एक 5 और जमा किया तो हमारे पास 10 आ गया। आप देखें नीचे 5 स्टार्स हैं, 5 5 को प्लस करें तो हमारे पास 10 आता है। फिर आगे हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको खाली जगह पुर करनी है आपने, -3 + 3 + -, तो ये है 4 × 3। तो आप जो हैं यहाँ पे रुकें, आप इन डैश में देखें कि 4 × 3 लिखेंगे तो 2 जो खाली जगह है वहाँ पे 3 आएगा, और हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। और अगर हम 3 की काउंटिंग करें, स्किप काउंटिंग करें, तो हमारे पास आता है 4 × 3 को करेंगे तो 12 आएगा। और इसी तरह आप ये देखें कि हम 3 स्टार्स के 4 ग्रुप्स बनाते हैं, इनको काउंट करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो 3 × 4 = 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 6 + 6 + 3 × 6, तो जो खाली जगह है वहाँ पे 1 6 और आएगा। अब आप स्किप काउंटिंग करें बाय 6, ठीक है, और 3 6 जो है 6 के 1 6, दूसरे 6 पे 12 आता है हमारे पास, और तीसरी दफ़ा 6 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो हम 3 × 6 = 18, यानी 6 6 को 3 दफ़ा हमने जमा करना है। इसी तरह आप ये नीचे फ्लावर्स पर पड़े हैं, 6 6 के 3 ग्रुप्स हैं, टोटल को काउंट करें तो हमारे पास 18 जवाब आता है। फिर हम आज इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2 + 2 + --5 × 2, तो डैश में क्या आएगा, खुद से फिल करें। तो शाबाश, वीडियो यहाँ पे रोकें, अपना कॉपी पेंसिल लें और फिल इन द ब्लैंक्स करें। 2 + 2 + 2, 5 × 2 आ गया, तो हम 2 की स्किप काउंटिंग करेंगे, तो 2, 4, 6, 8 और 10। तो 5 × 2 का मतलब है 10। तो इसी तरह आप देखें नीचे हार्ट्स बने हुए हैं, तो इनके 5 ग्रुप्स के 2-2 हार्ट्स के 5 ग्रुप हैं, इनको टोटल काउंट करें तो हमारे पास जवाब आता है 10। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।